उन सिनारियोज की वजह से फुटबॉल कैसे इफेक्ट हो रहा है सो so, ये जस्ट यहाँ पे मेरे फैक्ट्स होंगे दैट आई विल बी यूजिंग टू टेल यू गाइज और रादर जस्ट डिस्कस इट विथ यू कि क्या हो रहा है एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन योर इन द कॉमेंट्स कि आपको क्या लगता है जो भी चीज़ें चल रही हैं ठीक है सो डू नॉट टेक इट लाइक आई एम टेकिंग समबड़ी साइड आई एम स्टैंडिंग विथ रशिया और यूक्रेन ऐसा नहीं है आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रजेंट यू द फैक्ट्स वट एवर वी हैव गॉट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट इट यू इन अ न्यूट्रल वे से दैट वी आर अगेंस्ट वॉर वी कैन नेवर स्टैंड विथ वॉर वी हैव टू एंड इट पीस इज अ मस्ट हैविंग सेट दैट वीडियो में प्रोसीड करता हूँ आई टेल यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज जो भी इस वॉर की वजह से फुटबॉलिंग वर्ल्ड में आ रही है सो लेट्स ट्राई टू एंटर एंड वॉच दिस वीडियो कीपिंग अ पोलिटिकल इश्यूज अ साइड एंड थिंकिंग इन दिस वीडियो एज अ फुटबॉल फैन ठीक है सो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस की वो बड़े पैमाने पे क्या क्या हुए हैं सबसे पहले अब आफ्टर ऑल ऑफ दिस फीफा हैज़ बैंड रशिया फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट इन फीफा राइट right नाउ अभी के लिए बैंड है अंटिल फर्दर नोटिस ऑल्सो यूएफ ने बैन कर दिया है स्पार्टक मॉस्को को अ टीम दैट प्लेस इन द यूरोपा लीग विच वॉज सपोज टू बी प्लेइंग एंड अब उनको बूट मिल चुका है एंड आरबी लाइफेक को बाय मिल चुकी है तो वो आगे खेलेंगे बट इसको स्पार्टक मॉस्को ने रिस्पॉन्ड कैसे किया तो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह कॉमेंट किया यू कैन सी इट ओवर हिस्सा द डिसीजन टू एक्सक्लूड अर टीम फ्रॉ यूरोपा लीग इज अपसेटिंग मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि उनको हटा दिया गया नाउ वी बिलीव दैट स्पोर्ट इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स शुड एम टू बिल्ड ब्रिजेस नॉट बोर्न देम ये बात तो वैसे सच है हम इस बात पे आएंगे विल टॉक अबाउट कि वाई द प्लेयर आर गेटिंग द हेड एंड वाई द एथलीट आर नॉट एबल टू प्ले हम इस बात के बारे में बात करेंगे थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में अभी जस्ट लेट मी रीड द स्टेटमेंट फिर उन्होंने बताया कि दर सपोज टू प्ले लाइव जेक बट अब अब वो लाइव जेक को ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल चुका है क्वार्टर्स में वॉट इट दी विल फोकस ऑन अ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन एंड होप फॉर अकवरी या अचीवमेंट ऑफ पीस दैट एवरीबडी नीड्स सो दिस इज वॉट स्पार्ट मॉस्को है ऑफिशियली उनकी लीग चल रही है उनके डोमेस्टिक टाइटल्स वट एवर इट इज रनिंग बट यूक्रेन की लीग सस्पेंड हो चुकी है ऑब्वियसली जब पचास सौ किलोमीटर दूर आप बम गिरा रहे हो तो कैसे कंटिन्यू कर सकते हो आप कुछ भी वहां पर तो फुटबॉल तो ऑब्वियसली शर्ट हो गया यार ना वॉट एल्स इज हैपन सबको पता है कि यह बहुत ज्यादा सिनारो चल रहा है अबाउट रोमान अब्रामोविच लीविंग चेल्सी बिकॉज चेल्सी के वो ओनर रहे हैं काफी साल से ओनर रहे हैं एंड ही हैज मेड देम विन 19 टाइटल्स वन ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स दैट चेल्सी हैज़ वन अंडर दिस एन इंग्लिश टीम हैज़ वन अंडर दिस ओनर ना वट इज हैपनिंग कि वो बंदा जा रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम गुड टर्म्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्स पैशन एंड वट एवर ही फील्स एंड अटैचमेंट टू द क्लब उसने कहा कि इस क्लब के सेल से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम रिलीफ फंड्स में देंगे यू नो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी उनको मिलेगा प्रॉफिट्स दैट विल बी गिवन इन द रिलीफ फंड एंड दैट इज अ गुड एग्जांपल। तो वी आर मेकिंग आर ओपिनियन अबाउट रशियन पीपल सेइंग कि ये सब हराम खोर हैं बट यू नो व्हाट दे आर स्टिल गुड पीपल एंड यहाँ पे अब्राहोज ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है ही लव्स फुटबॉल ही वॉज द ओनर ऑफ दिस क्लब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग बिजनेस ही वॉज पैशनेट एंड उसका जाना उसका छोड़ के जाना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू एफेक्ट द क्लब बिकॉज क्लब के काफी सारे एग्जीक्यूटिव हैव स्टार्ट टू स्टेप डाउन एज वेल सो वॉट डिड इज से वॉज की ही ऑल्सो डिसाइडेड टू डोनेट द मनी वॉट एवर जिस अमाउंट में क्लब सेल होगा टू विक्ट इन यूक्रेन ऑब्वियसली दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी नाव अब यहाँ पर बात आ रही है कि एवर्टन ऑल्सो वो इन डीलिंग्स विद्यू रशियन उन्होंने भी अपने टाइर्स कट कर लिए हैं जैसे कि यूएसएम मेगाफोन एंड जोटा इस तरह की कंपनीज थी जिससे एवर्टन स्पॉन्सर ले रही थी बट उन्होंने भी उसको हटा दिया है साथ ही साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की एयरलाइन की जो डील uh, थी एक रशियन एयरलाइन से एयरफ्लोट उनके साथ भी टाइर्स हट चुके हैं उसके अलावा गैसप्रॉम uh, जो कि रशिया बेस्ड एनर्जी कंपनी है यूएफा ने एंड इवन शार्क ने उनसे अपनी स्पॉन्सरशि हटा दी है also, साथ ने जो कि चैंपियंस लीग इस साल रशिया में होना था उसको हटा के शिफ्ट कर दिया है फ्रांस में सो so, तुम ऑलरेडी देख रहे हो कि फीफा एंड यूएफा एकदम रशिया को आइसोलेट कर रहे हैं दे आर नॉट किसी तरीके से टू कॉम्पीट और इवन प्रमोट देयर कंपनीज और एनीथिंग इन वर्ल्ड उनको एकदम किनारे रखना है ये डिसीजन था फीफा का इसको याद रखना ना आगे मैं क्या बताने वाला हूं यहां पे कुछ यहां पे रिस्पॉन्स है फ्रॉम द प्लेयर्स इट सेल्फ रॉबर्ट लोडोस्की ने क्या बोला कि ये राइट डिसीजन है आई कॉन्ट इमेजिन प्लेइंग अ मैच विद द रशियन नेशनल टीम इन अ सिचुएशन विद आर्म्ड एग्रेशन इन यूक्रेन कंटिन्यूज बात उसने क्या बोली सुनना ध्यान से रशियन फुटबॉलर्स एंड फैंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बट वी कैंट प्रिटेंड दैट नथिंग इज हैपनिंग एक लाइन उसने बोली बड़ी छोटी सी लाइन है बट इट स्पीक्स वॉल्यूम कि वाई आर वी शोइंग दैट हेट टू दी रशियन टीम द एथलीट उनकी क्या गलती है इन सब सिनारियों में राइट right? तो आप मुझे बताओगे आई स्टिल डोंट नो अभी भी मैं यहां पे अपना माइंड बना नहीं पाऊं कि वॉज इट फेयर फॉर फीफा और यू एफा टू सस्पेंड दैम दे हैव बीन अलाउड टू प्ले द टूर्नामेंट अंडर अ डिफरेंट नेम बिकॉज ऑब्वियसली वो उनके नेशनल एंथम एंड फ्लैग्स को बैन कर दिया है फीफा एंड यूएफए ने तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता था स्टिल आई डोंट नो मेरे भाई लोग आप लोग बता सकते हो लाइक आई सेड वी आर अगेंस्ट वॉर एंड वी डोंट वांट टू यू नो बी पार्ट ऑफ इट इन एनी वे इज़ पॉसिबल ठीक है उसने लेवा ने बिल्कुल अपनी बात सही कही है एंड uh, उसने एक अच्छी बात की यार इसने रिस्पेक्ट शो की टू दी फुटबॉलर्स एंड एथलीट्स दैट इज गुड थिंग थॉमस टुकल की क्या बात है पता है टुकल से पूछा गया कि ये वॉर वाले सिनारोज में हाउ इज़ इट एफेक्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट उसने कहा कि ही फील्स बैड अबाउट ऑल ऑफ दिस बट ही हैज नेवर एक्सपीरियंसड वॉर एंड ही इज फीलिंग प्रिविलेज टू नेवर हैव फेल्ट दैट एंड ही कैन नॉट थिंक अबाउट द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस सो वो बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं कर सकता वो नहीं कह सकता कि नहीं यार गलत हो रहा है ऐसा हो रहा है बिकॉज वो बंदा हैज़ एन एक्सपीरियंस डेट एंड ऑब्वियसली सो हम भी यहाँ पे अपने सेफ घर में बैठे हैं हमारे पास वो पीस है एंड वी आर ओवर हेयर हमारे पास वो फ्रीडम है बात करने का बट वी केन नॉट इवन इमेजिन वॉट इज गोइंग ऑन ओवर देन इन यार तो हम किसी भी तरीके से वी केन नॉट फैथम द डिस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग ऑन ओवर देर वी वुड बी जस्ट ट्राइंग एंड लुकिंग आउट टू स्प्रेड दर्ड स्प्रेड द मैसेज एंड इवन नॉट स्प्रेड हेट लेट ट्राई टू नो वट एवर वी कैन एंड इसीलिए फुटबॉल इन टर्म्स में एक वीडियो आप लोगों के में लाना चाहता हूं वी विल नो आर फैक्ट राइट अब यहां पर आगे यूक्रेनियन एंड रशियन के प्लेयर्स के बारे में कुछ बातें एंड वॉट हैव दे सेड आप लोगों ने देखा होगा कि यारमोलेंको एंड जिंचेंको का एक इमोशनल मोवमेंट आया वेन द टू टीम्स मेट एंड देवर ओवर देर शेयरिंग अब मोवमेंट जहां पर जिंचेंको वॉज क्राइंग राइट एंड दैट टेक्स अ मेंटल टॉल जब आपकी कंट्री वॉर पे है जब आपकी कंट्रीज में गोला बारूद फायर हो रहा है अन्य ओवर देअ प्लेइंग फुटबॉल एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी भी टीम्स हैं दे हैव शब शोड एबसोल्यूट अमाउंट ऑफ सपोर्ट टू द यूक्रेनियन प्लेयर्स उनको हर तरीके की बेनिफिट्स देने के लिए प्रॉमिस किया है इवन कैप्टेंस आम बैंड भी दे दिया है सपोर्ट में प्रीमियर लीग में यू नो नो वॉर स्टॉप स्टॉप वॉर करके बैनर्स भी दिखाए हुए हैं बट इज़ दैट इनफ वॉट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ये बहुत खतरनाक लेवल की बात है यार तो शुड दे बी प्लेइंग मेरा क्वेश्चन ये है क्या टू वी गिव दम यू नो थोड़ा सा ले ऑफ उसके बारे में भी बातचीत हुई होगी बट यू नो समाइम्स इट्स बेटर टू टेक योर माइंड ऑफ सम थिंग सो यू डोंट खेल योर सेल्फ आई स्टिल डोंट नो माई So they are playing, they are playing, but uh, we cannot even imagine what is going on in their head. Now, here is a very important quote. Hai. Zuba, who is a Russian national player, hai, what did he say? He said, I am a proud Russian. I don't understand why athletes have to suffer now. I am against double standards. Why are some allowed everything, but we are blamed for everything? Why does everyone always say that sports is apolitical? But with the first opportunity, when it comes, concerns Russia.

आर दे इन्वॉल्व इन एवरीथिंग आर इज गोइंग ऑन मेरे भाई जस्ट लेट मी नो पॉसिबली हो सकता है यू नो यू वुड बी राइट अबाउट ऑल ऑफ दिस देन अगेन जस्ट आर आर वॉन्टिंग टू डिस्कस दिस राइट फीफा के क्या डबल स्टैंडर्ड हैं यहां पर यू नो थोड़े से लाइट में शिड करना चाहूँगा अबाउट नॉर्थ कोरिया रिमेंबर इन ट्वेंटी टेन दे व प्लेइंग द इन द वर्ल्ड कप पॉर्चुगल के अगेंस्ट ब्राजील के अगेंस्ट दिस को गोल एज वेल एट दैट टाइम एज वेल कंडीशन विथ नॉर्थ कोरिया वॉज इन दैट गुड बहुत डार्क सिनारो था बट स्टिल देर अलाउड टू प्ले in that world cup they were allowed to represent them right same happened with afghanistan because in the most difficult scenarios and circumstances well football was allowed to be a part of fifa right they were allowed to be pl playing is it unfair from fifa that they have cut out russia from all of this madlab is it fair दैट दे हैव बड रशिया मतलब आई जस्ट वॉट आ नो योर ओपिनियन क्योंकि और इज इट इज इट लाइक कि रश की फीफा इज इम्प्रोवाइजिंग और इम्प्रूविंग और लर्निंग फ्रॉम देर मिस्टेक्स पॉसिबली देर थिंकिंग कि नहीं यार ये गलतियां हमने पहले की हमने नॉर्थ कोरिया को नहीं हटाया हमने अफगानिस्तान को नहीं हटाया पाकिस्तान को बहुत लेट हटाया तो शुड वी एक्ट नाओ एंड इज दिस नाओ द टाइम जहां पर उन्होंने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो अगेन यू नो वॉट अगेन बहुत सारी चीजें हैं आई वॉन्ट नो फ्रॉम यू गाइज ठीक है ऑल्सो यहाँ पे शेरिफ का जो कोच है यू वुड रिमेंबर शेरफ टीम जो रियाल मडविड को हराई थी संध्या को बर्नाभा पे कितना ज्यादा नाम हुआ था उनका चैंपियस लीग में उनका भी जो कोच है ये रिव द फिफ्टी सिक्स ओल्ड ही ऑज ऑल्सो गॉन बैक टू यूक्रेन हैज हैजेक अप आर्म्स टू डिफेंड इज होमलैंड साथ ही साथ यहाँ पे यूक्रेन इंटरनेशनल है यारोसलाव रैकेट उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है जेनिथ सिंध पीटरबर्ग पीटर्सबर्ग के साथ एंड ही इज नॉट विलिंग टू प्ले ओवर देयर इज वेल तो तुम तो 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 देख सकते हो कि रिएक्शन ऑलरेडी प्लेयर्स से आ रहे हैं बट कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आई एम डीपली सैडनड टू इन्फॉर्म यू कि दो प्लेयर्स थे विताली सपाइलो ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड एंड द मिर्टो मार्तीनेको ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड दे हैव लॉस देयर लाइव इन कॉम्बैट

अधिदास ने अपने टाइस कट किए हैं यहाँ पे रशियन पार्टनरशिप के साथ ई ए, ए स्पोर्ट्स ने सस्पेंड कर दिया है रशिया को एंड रशियन लीग को फ्रॉम फीफा 2022 ट्वेंटी टू एंड यूक्रेनियन लीग इज़ ऑलरेडी सस्पेंडेड इंडिया वर्सेज बेलोरूस होने वाला था अब ये भी सस्पेंड हो चुका है uh, इंडिया ने बैकआउट नहीं किया है बट दिस वी डोंट नो इफ दिस गेम वुड हैपन ऑन नॉट बट वाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस शुड वी प्ले अंडर डिफरेंट नेम्स एंड विदाउट फ्लैग्स और एनथिंग इफ कुछ ऐसा एक्जिस्टेंस में है तो कैन वी डू दैट सो वी डेफिनेटली स्टांड अगेंस्ट वॉर लाइफ फर्स्ट फुटबॉल सेकेंड मेरे भाई बट देन अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड वी वॉटेड टू प्रेजेंट दिस एज अ वीडियो आई वॉन्ट यू गर्ट टू थिंक अबाउट दिस की चाइना एंड चाइनीज स्टे पे चाइनीज पे जो कि ताइवान की रिप्रेजेंटेटिव है इन फिन फीफा दे ऑल्सो प्ले फुटबॉल तो आगे अब कभी जब रशिया को अलाउ किया जाएगा तो विल विल बी एबल टू सी मैच बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आई डोंट नो बिकॉज बट प्रीवियस हिस्ट्री देखो तो चाइना एंड चाइनीज स्टे पर खेले हैं अभी रिसेंटली खेले हैं फोर निल की विंथी चाइना की सो दे आर सो मनी थिंग्स टॉक अबाउट एंड फीफा के बारे में एक क्वेश्चन की दे शुड भी टेकिंग द डिसंस एज अ फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड भी मेकिंग द डिसजंस राशनली एंड नॉट बेस्ड दे ओपिनियंस पोलिटिकली दे आर नॉट अ पोलिटिकल यूनिट राइट सो so, ये जितनी सारी चीज़ें थी जितने सारी डेटा था मुझे मैं आप मैंने आप लोगों को बताया डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट मैं कहीं अगर गलत हूँ तो ऑल्सो डो लेट मी नो ऑबियसली दे वी अड ऑफ थिंक दट यू गाइज नो बेटर देन आस बट दैट्स द रीजन ऑफ दिस वीडियो आई वॉन्ट अट नो मोर अबाउट दिस यार एंड आई माई था एंड द होल टॉक फुटबॉल इज द फैमिलीज थॉट आर आर गोइंग टू ऑल द पीपल हु हैव लॉस दियर लाइफ एंड ऑल्सो एंडिंग दिस वीडियो सेज साडन टू हेयर एंड वी ऑल वॉज सायर अबाउट द डेथ ऑफ द ऑफ शेन वॉन जो कि क्रिकेटर uh, थे एंड मान शॉक है भाई ये शॉक है ओनली फिफ्टी टू ईयर्स ऑफ एज एक हार्ट अटैक भाई दिन बड़ा ख़राब जा रहा है यार है टू शूट दिस वेरी सीरियस वीडियो एंड देन इट दैट सो एनी वेज गाइड जस्ट टेक केयर टेक केयर प्लीज डू नॉट स्प्रेड हेट लेट्स बी बेटर एंड लेट्स जस्ट कीप आवर टॉक्स रिगार्डिंग फुटबॉल राइट सो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना जैसा भी लग आपको मुझे जरूर बताना कॉमेंट्स में ठीक है चलो पीस आउट